अगर आप यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन या कुवैत में रह रहे हैं और आप फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं या फिर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड की सहायता से इंस्टॉलमेंट में मोबाइल कैसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं वाईफाई टेक इन्फो। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम या किसी और ब्राउजर में जाना है और वहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन में टाइप करना है शॉप कीज, फिर इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी shopkeys.com, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, आपको इसमें साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के लिए राइट हैंड साइड में आपको साइनअप का एक ऑप्शन दिया गया, आपको उस पर क्लिक करना है और साइनअप वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के रजिस्टर्ड कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑल कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिवाइस परचेस करनी है, सपोज यहाँ पे मोबाइल परचेस करना है तो आपको मोबाइल पे जाना है। अगर आपको लैपटॉप या फिर कुछ और आइटम परचेस करना है तो वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ, मुझे एप्पल की अगर डिवाइस चाहिए तो मैं एप्पल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे मोबाइल की लिस्ट आ जाएगी, आपको जो भी फ़ोन सेलेक्ट करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, 256 GB, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है वह मेरे कार्ट में ऐड हो गया है। फिर आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना एक एड्रेस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड न्यू एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। एड्रेस में आपको अपनी ईमेल आईडी, आपका पूरा नाम, आपका मोबाइल नंबर, आप जिस कंट्री में रहते हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपका एरिया कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पीओ बॉक्स नंबर डालना है, आपका कोई पिन कोड है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद नीचे बिल्डिंग नंबर या लैंडमार्क या फिर आप किस स्ट्रीट में रहते हो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। पूरा एड्रेस डालने के बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा, वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पोटी बाय नाउ पे लेटर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, स्पोटी का आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पोटी पे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे आपको पूरा एक डिटेल आ जाएगा, जहाँ पर आपका जो फ़ोन का प्राइस है 4948, इसमें डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी। इनका जो प्रोसेसिंग फीस है वह 92.26 दिरहम है और आपका जो टोटल अमाउंट यहाँ पर बनेगा 5040.26 फिल्स बनेगा। तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट का 40% पे करना होता है, तो आपका जो 40% जो अमाउंट आपका बन रहा है जो आपको पे करना है वह 2016.10 फिल्स यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद एक नीचे ऑप्शन दिया गया है प्लेस योर ऑर्डर, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना है। आपको सबमिट एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड वेरीफाई फ़ोन पे आपको क्लिक करना है, देन आपका जो नंबर है वह वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक पेज ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट की कुछ डिटेल मिल जाएगी। आपको आज की डेट में 2016.10 दिरहम पे करना है, देन आपको 21 मार्च को 1008.05 पिल्स पे करना है। फिर आपको जो नेक्स्ट पेमेंट है 21 अप्रैल को करना है। फिर आपको 21 मई को आपका लास्ट पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में आपको जो पूरा पेमेंट है
वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद एक आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा पे विथ कार्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है, यहाँ पर आपका कार्ड नंबर पड़ेगा, यहाँ पर आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट, देन यहाँ पर आपको एक CVV नंबर डालना पड़ेगा। देन आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। आपका जो भी टोटल अमाउंट है 2016 दिरहम, वो आपको अभी पे करने पड़ेंगे। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट में आपको 1008 दिरहम का पेमेंट आपको 3 महीने में करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी कि आप इंस्टॉलमेंट में मोबाइल कैसे परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको और कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।